और गमगीन आंखें और माहौल के बीच आज हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुंदर का निधन हुआ। अब चुनाव आयोग फैसला लेगा। हालांकि 7 दिन का समय देकर कांग्रेस से प्रत्याशी का नाम लेने का भी विकल्प है। नाम लेकर सारे विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही करणपुर में अब चर्चाएं हो गई तेज, क्योंकि नहीं रहे गुरमीत सिंह कुंदर, निधन हो गया है। दिल्ली एम्स अस्पताल में आज अंतिम सांस ली है। विधायक गुरमीत कुंदर के बेटे रुपेंद्र कुंदर ने पुष्टि की है। कल किया जाएगा विधायक गुरमीत सिंह कुंदर का अंतिम संस्कार। दिल्ली से पार्थिव शरीर लेकर बेटे रुपेंद्र सिंह कुंदर 25 BP के लिए रवाना होंगे। काफी समय से बीमार चल रहे थे विधायक गुरमीत सिंह कुंदर। गुरमीत सिंह कुंदर का जन्म 6 जून 1948 में हुआ था। पिता का नाम छज्जा सिंह, माता का नाम गुरदयाल कौर है। 11वीं विधानसभा के सदस्य रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं 2009 से लेकर के 13 के बीच। 15वीं विधानसभा के सदस्य रहे और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज राजनीतिक जगत में शोक की लहर छाई है। गुरमीत सिंह कुंदर हमारे बीच नहीं रहे, कितनी बड़ी ये क्षति है? देखिए शिखा, ये वाकई में पूरा नहरी क्षेत्र और कांग्रेस परिवार हो या राजनीतिक हलके हो, गुरमीत सिंह कुंदर एक बड़े राजनेता के तौर पे, एक बड़ा रखने वाले लीडर के तौर पर भी उनको जाना जाता था। और आपको ध्यान होगा, वो बयान मुझे अभी भी याद आ रहा है, जब आखिरी वक्त पर उनसे पूछा गया था, टिकट वितरण की बात चल रही थी और ये बात उठी थी कि गुरमीत सिंह कुंदर की जगह किसको टिकट दिया जाए, उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनके टिकट कटने की बात भी आ रही थी। तो कुर्मियन ने खुद ने हम लोगों से कहा था कि वो नहीं चाहते कुछ चुनाव लड़ना, उनके बेटे को उनकी जगह टिकट देना चाहिए, ये उनकी उन्होंने मांग की थी। उन्होंने ये सुझाव भी आला कमान को दिया था, भरी बैठक के अंदर भी उन्होंने ये बात ऑब्जर्वर्स के सामने बोली थी, मधुसूदन मिस्त्री को भी कही थी, रंधावा को भी कही थी। और मुझे लगता है अब जिस तरह उनका निधन की खबर सामने आई है, तो ये शायद उनको अंदाजा था कि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा, वो शायद चुनाव पूरा नहीं कर पाएंगे या चुनाव समर के अंदर वो पूरी तरह नहीं ठहर पाएंगे, उनके कई दिनों तक वो बीमार भी रहेंगे। पिछली गहलोत सरकार में वो कृषि विपणन राज्य मंत्री थे, काफी काम उन्होंने अपने इलाके में कराए, एग्रीकल्चर से जुड़े मार्केटिंग, जो कृषि पंचायती राज की खास तौर पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर विशेष तौर पर उस पूरे बेल्ट में ध्यान दिया था। अभी वो कर्णपुर से चुनाव लड़ रहे थे, ट्रायंगुलर इलेक्शन कर्णपुर का बन गया था, प्रतिपाल संधु कांग्रेस के बागी के तौर पर वह मैदान में है, तो सुरेंद्र पाल सिंह चीटी जिनसे उनका परंपरागत मुकाबला रहा है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। और इसी बीच में जब ये खबर आई तो वाकई में एक शोक की खबर है, पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि। और किस तरह से अब कहा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा में जो ये पुराना मिथक चला आ रहा है वो लगता है टूट नहीं रहा। 199 सीटों पर अब राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, एक सीट पर अब चुनाव नहीं होंगे। पिछले चुनाव में भी रामगढ़ विधानसभा में ऐसा ही हुआ था, फिर उसका रामगढ़ विधानसभा का चुनाव बाद में हुआ और फिर सफिया जुबेर बनी और कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में बहुमत तक पहुंचाया। और उससे पिछला चुनाव था तब चूरू में बसपा उम्मीदवार की डेथ हो गई और तब राजेंद्र राठौड़ बाई इलेक्शन में चुनाव जीते और वो वसुंधरा सरकार में मंत्री थे। तो ये एक तरह से राजस्थान के बीते चुनावों का एक लेखा जोखा है, जो कई बार ये एहसास कराता है कि राजस्थान का जो विधानसभा का नया भवन है, उस नए भवन में कभी भी 200 विधान एक साथ नहीं बैठे या कभी भी 200 विधायकों ने एक साथ विधायक की शपथ ली। तो वो एक इतिहास है, वो चला आ रहा है, तो चला आ रहा है, उसके क्या पीछे का कारण है इसको लेकर भी कालूलाल गुर्जर, हबीबुर रहमान कई तरह की बातें कह चुके हैं। लेकिन गुरमीत सिंह कुंदर का निधन अपने आप में पूरे
कैरी बेल्ट के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा आघात है। जट सिख के साथ ही वो एक सभी जातियों में वो एक लोकप्रिय लीडर के तौर पर थे, और कांग्रेस पार्टी करणपुर की सीट को प्लस मानकर चल रही थी। यही कारण है कि स्वास्थ्य कारण उनके साथ साथ नहीं दे रहे थे गुरमीत सिंह खुन्नर का, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया था। बिल्कुल योगेश जी, और पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देता है और परिवार के लोगों के लिए मजबूती प्रदान करने की कामना करता है। शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।